हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर? इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की, जिसकी लास्ट क्लोजिंग 22.26 रुपये पर थी। अभी स्टॉक 22.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट है। ओपनिंग की अगर बात करें तो 22.80 रुपये के आसपास ओपनिंग थी, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि कल के जो बाइंग ऑर्डर्स थे उसकी वजह से एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तुरंत मार्केट के अंदर इस स्टॉक के अंदर जो है सेलिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में आज के दिन में करेक्शन देखने को मिल रही है। रिसेंटली ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनाकर दे चुका है। अगर आप इसका 5 दिन का डाटा देखेंगे तो 22% के आसपास के रिटर्न्स जो है बीते 5 दिनों के अंदर इन्फीबीम एवेन्यूज़ ने बनाकर दिए। एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास के रिटर्न्स निकाल कर दे चुका है। 6 महीने की बात करूं तो 57% के आसपास के रिटर्न्स हैं। मार्केट पॉजिटिव है इस टाइम। 20,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट 19,200 तक आई ऑलमोस्ट, और 19,200 से रिकवरी करती नज़र आ रही है। लगातार दूसरे दिन मार्केट पॉजिटिव मोड में है। 6 महीने के अंदर फिर भी 57% के आसपास के रिटर्न्स बना कर दे चुकी है। एक साल की बात करें तो 52% के रिटर्न्स हैं। बात करें अगर 5 साल की तो 67% और मैक्सिमम रिटर्न्स की तरफ जाएं तो एक टाइम पे देखिए 60 रुपीज़ के लेवल से यहाँ पे कंपनी की तरफ से स्प्लिट या फिर बोनस दिया गया होगा, जिसकी वजह से करेक्शन आई और उसके बाद से एक पॉजिटिव माहौल जो है स्टॉक में क्रिएट हो रखा है। मैक्सिमम रिटर्न्स में देखें तो 99% रिटर्न्स हैं। लिस्टिंग डेट 8 अप्रैल 2016 को 11 रुपये के आसपास का ये शेयर था, जो कि आज 100% रिटर्न्स के साथ में मैक्सिमम रिटर्न्स में देखने को भी मिल रहा है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जो है स्टॉक में ट्रेड हो चुका है। बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स देखें तो 10 लाख शेयर्स बाइंग ऑर्डर में है और 27 लाख शेयर्स जो है सेलिंग ऑर्डर में, यानी कि सेलिंग प्रेशर जो है 3 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 9 CR के आसपास का, 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जो है स्टॉक में अभी तक ट्रेड हो चुका है। यहाँ पर देखें स्टॉक ने शानदार कॉन्सेंट्रेट करके तेज़ी दिखाई थी और अभी जो है 18 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में आप जो है 25 रुपये के आसपास तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपने Q2 के नंबर्स पेश नहीं किए हैं। कंपनी के अगर नंबर्स पॉजिटिव आते हैं इन्फीबीम एवेन्यू के तो एक बड़ा मोमेंटम जो है हमें शॉर्ट टर्म के अंदर बनता हुआ भी नज़र आ सकता, तो स्टॉक को रडार पर जरूर रखें क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से अगर वॉल्यूम देखें तो 10 CR के आसपास का, जो कि लास्ट क्लोजिंग में 23 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था। वीकली एवरेज 18 करोड़ और मंथली एवरेज ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास का है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की तो 50% बाई और 50% सेल की सलाह देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा आया है और आज के दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में करेक्शन है, क्योंकि 30 लाख शेयर्स जो हैं सेलिंग ऑर्डर में है जबकि 10 लाख शेयर्स ही बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। Q2 के अपडेट्स का भी ध्यान रखें कि कंपनी अपने Q2 के अंदर नंबर्स कैसे पेश करती है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो बिजनेस है अगर उसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स, ये कंपनी हमें काम करती नज़र आ रही है। अगर बात करें यहाँ पे कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसका डाटा देखें तो जून महीने के अंदर 30.63% था, FIs 6.11 और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 62.74% स्टेक जो है इन्फीबीम एवेन्यू में देखने को मिला था, जो कि काफ़ी कमाल का है। लॉन्ग टर्म होल्ड कराया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि स्टॉक का प्राइस 22 रुपये के आसपास है। अभी फर्दर हमें 25 रुपये के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। Q2 अगर यहाँ पे हमें पुश करता नजर आया स्टॉक को तो फर्दर जो है 30+ के टारगेट्स हम स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।